everyone, welcome to my channel Sanjana Vlogs. How are you all? I hope you guys are doing well. So guys, this is Sunday. You know guys, Sunday is my favorite day. But आजकल तो सारे ही दिन एक जैसे लग रहे हैं क्वारंटाइन की वजह से. But आज संडे है और आज मैंने कुछ स्पेशल करने का सोचा है, कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है सबके लिए, घर वालों के लिए, ताकि हम इंजॉय कर सके अपना संडे. सो गाइज, आज मैं छोले भटूरे बनाने वाली हूँ बिल्कुल इंडियन स्टाइल में, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर के छोले भटूरे खा रहे हो. So guys, let's get started. So guys, please ignore my kitchen. This is completely middle class kitchen. मेरी किचन में कुछ भी ऐसा interesting और अच्छा सा नहीं है जिस जो आप लोगों को अच्छा लगे. So guys, please ignore the kitchen. But आगे चलते हैं रेसिपी की तरफ. मैंने उबाल के रख लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, आप देख सकते हैं. सो गाइज, छोले भटूरे बनाने में मेन चीज होती है कि हमें छोले का कलर बाहर जैसा चाहिए, तो हम क्या करें. सो गाइज, मैंने एक कपड़े में थोड़ी सी चाय पत्ती, इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ी सी चाय पत्ती उसमें डाल के इनके बॉयल करने डाल दी थी, जिसके जब हम इसको स्क्वीज करेंगे इस तरीके से, इसको हम पूरा स्क्वीज करेंगे ताकि इसके अंदर का जो भी जूस होगा वो हमारे छोले में आ जाए. इस तरीके से हम इसको स्क्वीज करेंगे. गाइस, इसका मेन मोटिव क्या है, इससे आपके छोले में वही ब्राउनिश कलर आएगा जैसे हम बाहर के छोले भटूरों में देखते हैं. एंड गाइस, दिस इज खड़ा मसाला. यू नो खड़ा मसाला. सो दिस इज खड़ा मसाला. एक खड़ा मसाले से हमारे छोलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. इसका भी हम स्क्वीज करके जूस ले लेंगे. गाइस, आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं, बट मेरे को डालना प्रेफर नहीं करती हूँ. मैं इसका जूस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि हमें सिर्फ इसमें टेस्ट मिले. अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल भी सकते हैं, बट हम सिर्फ इसको स्क्वीज करेंगे और डालेंगे. आप देख सकते हैं ये हमारे छोले बॉयल होके रेडी है. आइए अब हम इसको आगे बनाते हैं. तो गाइस, ग्रेवी बनाने के लिए हमें ओनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक चाहिए, जिसको मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने बॉईल कर लिया है. गाइस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ग्राइंड भी कर सकते हैं और बॉईल भी कर सकते हैं. मैंने ये सारी चीजें बॉईल कर ली है, आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं. मैंने कढ़ाई ऑलरेडी गैस पे चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दी. अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल. आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ. इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे हम. जब तक ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपनी ग्रेवी डाल देंगे, जो कि हमने ग्राइंड करके या फिर बॉईल करके रखी हुई है. आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो बॉईल हो गया. अब हम इसमें जो हमने प्यूरी बनाई थी वो प्यूरी डालेंगे. ऑन इस तरीके से हम अपनी, आप देख सकते हैं कि बॉईल करने से हमारी प्यूरी बिल्कुल फाइन बनी है. आप इस तरीके से सारी प्यूरी डालेंगे. अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे. इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर. गाइस, इससे हमारे छोले में थोड़ा सा खट्टा स्वाद आएगा. गाइस, हम इसमें नमक ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नमक मैंने जब मैंने छोले बॉईल किए थे तभी डाल दिया था. आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, और आप ये सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. सो गाइस, हम इसको ऐसे ही 10-15 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे, ताकि सारे मसाले हमारी ग्रेवी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं. जब तक हम रेडी करेंगे भटूरे. ये गाइस, भटूरे के लिए मैदा का डो हमने रेडी किया है. ये मैंने 2 घंटे पहले रेडी करके रख लिया था, ताकि हम भटूरे बना सके इंस्टेंटली. गाइस, इसके अंदर हमने इनो डाला है, और हमने बेकिंग सोडा पाउडर डाला है, और हमने रिफाइंड डाला है, ताकि हमारा डो और भटूरे एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बने. इसे हम एक बॉल बनाएंगे आटे की, हम देख सकते हैं इस तरीके से. इस तरीके से हम हल्का हल्का ऑयल लगा के इनको ले लेंगे. आप देख सकते हैं मैंने पूरे डो पे ऑयल लगा दिया है, और ये इससे हम एकदम धीरे धीरे हाथों से इनको लंबा लंबा बेलेंगे. गाइस, ये आपकी चॉइस है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बट आप ध्यान रखें जब आप इसको बेलें तो चारों एजेस से इक्वली ट्राई करें कि इक्वली जाए.
ताकि वो एकदम इक्वल और अच्छा बने। सो आप देख सकते हैं हमारा भटूरा बेल चुका है। इसी तरीके से मैं और भी भटूरे ऐसे ही बेल लूंगी। जब तक हम चलते हैं अपने छोलों की तरफ, जो कि हमने ग्रेवी बॉयल होने के लिए रख दी थी कुक होने के लिए। आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी कुक होके बिल्कुल रेडी है और ये अपना कलर ले चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे छोले। सो गाइज, इस तरीके से हम अपने छोले ऐड करेंगे। गाइज, छोलों में जब हम उबालते हुए पानी डालते हैं, वही पानी हम ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। एडिशनल वाटर नहीं डालेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और अच्छी बनेगी ज़्यादा। इस तरीके से हमें छोलों को ग्रेवी में मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि छोलों में बिल्कुल वही बाहर जैसा कलर आ रहा है। छोलों का कलर हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन, और हमारे छोले बनकर रेडी हैं। अब हम इसको फिर से 10-15 मिनट तक करेंगे, ताकि छोले जो हैं वो ग्रेवी में मिक्स हो जाए। सो आप देख सकते हैं गाइज, हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे भटूरे। सो गाइज, अब हम भटूरे फ्राई करेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है बॉईल होके। अब हम इसमें भटूरे डालेंगे। गाइज ध्यान रहे, हमें बहुत धीरे से भटूरे डालना है, ताकि तेल हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो गाइज, आप देख सकते हैं भटूरा फूल रहा है। तो गाइज, दिस इज आवर फर्स्ट भटूरा। हाउ इट्स लुक गाइज, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। भटूरे भी अब रेडी हो चुके हैं, अब हम प्लेटिंग करेंगे। गाइज, आप देख सकते हैं छोले, इट स्मेल्स वेरी गुड। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। सो गाइज, मैंने एक बाउल में छोले पहले से ही निकाल के रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, ताकि ये और अच्छे लगे देखने में। आप चाहें तो और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ओनियन और टमाटो यूज़ किया है गाइज, इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव लगेगा और खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइज, साइड में मैंने थोड़ा सा सैलेड रखा है। आपको कोई और चीज़ पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं सैलेड में। इस तरीके से, अगर आपको ग्रीन चिल्ली ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो हमारे भटूरे और छोले भटूरे होते हैं रेडी। प्लेटिंग होके रेडी है, अब आप अपने छोले भटूरे एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।